बाबा एक नाली लाओ हाई ग्लो वाली छोरो छुर ताली बजाओ नाली बोरी लिया बोरी भर दूंगा मदारी का बच्चा मत कही हो गया और नाग अब टाइम मिला इसे ले जाने का घर आराम से चल चल गाय सभी हम गायों को पानी पिला रहे हैं और आप भी जहाँ भी आपको गाय वाय गाय माता दिखा करें तो उनके हेल्प कर रहे हो उनको खाने के लिए देख रहे हो। हाय गाइस वेलकम टू माय न्यू निकेश फैमिली व्लॉग। कैसे हो, स्वागत है आपका निकेश फैमिली व्लॉग में और हमारी तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग। और गाइस सालू अभी कपड़े सिल रही है, इसको दो जोड़ी कपड़े सिलने आज आज में वे फिर जाएंगे जल्दी में। और गाइस आज हमारे गांव में मोहल्ले में वो है खेल दिखाने वाला मदारी, खेल दिखाने वाले आते हैं ना वे आए हैं तो बहुत मजा आएगा। पता नहीं कहाँ पर दिखाएंगे खेल, अभी हान रहे हैं बच्चों को बिटला कर रहे हैं तो हम भी चलेंगे देखने और आपको दिखाएंगे, बहुत ही काफ़ी अच्छा मजा आएगा देखने में। तो चलो चलते हैं, बच्चे जाओ सभी को समझा के जाना। अरे छोटे वाले बच्चे पीछे बैठ जाना, लाओ जिंद बाबा जिन्नात पीर बाबा बुई वाला खेल यहाँ उठा लाओ बाबा जमुरे। हाँ। सभी को राम राम करो, राम राम सब कर लो, राम राम, राम, राम। अरे जोर से बोलो राम राम, राम राम। जिन्नात पीर बाबा बच्चा लाओ मुट्ठी में, बच्चा ले जाओ, एक आवाज सामने से आना चाहिए एक आवाज पीछे से आना चाहिए, बच्चे ताली बजाओ बेटा, वो बेटा ताली बजा दो सभी बाबा एक नाली लाओ हाई ग्लो वाली छोरो छुर ताली बजाओ नाली बोरी लिया बोरी भर दूंगा मदारी का बच्चा मत कही, मगर इस टाइम कोई बोलना नहीं मेरे खेल में, क्या बन गया बोल दो सभी जने, बोलो मेरा खेल सही है गलत। सही। मेरा खेल अभी सही नहीं होगा, मेरी माता बहनों मेरा खेल जब सही होगा मैं तुम्हारी आंखों के सामने एक मंत्र भर के मार दूंगा जो साफ गाब हो जाएगा, बच्चा बन के तैयार हो जाएगा। ये मत कहना मेरे मोहल्ले में मेरे खेल में दो मदारी आए थे, चिल्ला चिल्ला के चार बातें बताए थे, उसकी बात अजमाई नहीं थी। पहली बात कौन सी है, लिखने के बारे में, पढ़ने के बारे में, तुम्हारे घर मकान से कोई चला गया है पता नहीं चलाने के बारे में जमाना, आज जा कोई भी मेरी दीदी कोई भी मेरा भाई अपने हाथ से उस मालिक के नाम पर मेरे बाबा को छूटे जो आज 20 रुपए जो 21 रुपए अपने हाथ से लाके दान कर देगा। मैं किसान कहता हूँ तुम्हारे मोहल्ले में जो बच्चा मर जाए हाथे का मेरे मालिक मेरे बाबा उसके घर के परेशानी को दूर करेंगे। काम काम उस मेरी दीदी का बनेगा जो 20 रुपए हो गया और ना खेल खत्म सो खत्म, मजा आया खेल देख के हाँ मजा आ गया भाई खेल देख के पूरा मस्त मजा आना का, कैसा लगा खेल देख के इतना बड़ा लूंगा मैं खेल देखने में। और बता उन्होंने बच्चे का सांप बना दिया और मैंने तो मतलब जब मैं 10 रुपए देने गई थी उन्होंने मेरे सिर पे भी रखा सांप और अभी हम लेने आए हैं। तो गाइस खेल वेल देख के तो घर आ चुके हैं फाइनली। और गाइस मम्मी तो गई है वहाँ पर कटे नहलाने और हम इसको गाय को पानी पिला देते हैं नल से लाकर। और देखो मनीषा भी पानी लाई है पीने के लिए नल पे से। और अब गाइस मौसम देखो आज का कैसा हो चुका है, अब इस टाइम घटा घटा हो चुकी है, ये देखो पन्नी का रंग पूरी तरह से पन्नी का कंडीशन बिगड़ चुकी है, इसकी पन्नी की कंडीशन सही करेंगे और यहाँ पर कपड़े सूख रहे हैं देखो ये रे। और गाइस चलो चलते हैं नल से पानी लेने, गाय को पिलाते हैं फिर और देखेंगे क्या करना है। गाइस फाइनली कटिया तो नहा लिया हमारी, ये देखो
गाइस फाइनली कटिया नहा चुकी है, लेकिन वहाँ पर ऑटो खड़ा है ना रास्ते में, तो उसकी वजह से जा नहीं पा रही। तो जब ऑटो जाने वाला है, जब जाएगी और सब के सब यहीं आ गए। उल्ली में खेच लो हंसते हैं। अच्छा फोटो। और गाइस देखो यहाँ पर माँ जी बैठी रहती हैं, माँ जी बीमार रहती हैं। और मतलब अब टाइम मिला इसे ले जाने का घर। आराम से चल चल। और चेक कर दी थे फोड़ दी थी वो वाली तसले में करके, जब पियाना पानी पड़ेगा। गाय अभी हम गायों को पानी पिला रहे हैं, और आप भी जहाँ भी आपको गाय वाय गाय माता दिखा करें तो उनकी हेल्प कर करो, उनको खाने के लिए देख रहो, बहुत ही रिस्पेक्ट कर करो गाय की, क्योंकि रिस्पेक्ट करनी चाहिए गाय माता की, बहुत ही अच्छी होती हैं ये। आराम से पियो आराम से कटे को। तो गाय से हम नहला के लिया ही, लेकिन गाय बहुत कम नहाती है ना, देखो अब ये पानी पी रही है।